हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक तो जैसा कि जी स्कोर में सिग्नल सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया और बेन लॉग स्टार्ट होने वाला है बेहतरीन तरीके से तो एक बात मैं आपको एकदम क्लियरली बता देना चाह रहा हूं ये जो क्विजेज हम लोग या क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं ये एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब जिस टाइप के गेट में पूछे जाते हैं उसी को फॉलो करके और इस सीरीज में जैसा आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि जेनिक लाइव ऐप पे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले मिल जाएगा और सोलूशन हम उसी दिन शाम में प्रोवाइड करेंगे या नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे आपको सोल्यूशन मिलने से पहले हमारे द्वारा सोल्यूशन मिलने से पहले जेनिक लाइफ ऐप पे उसका आंसर पोस्ट करना है देना है क्योंकि उस आंसर के बेसिस पे हम लोग रैंकिंग बनाएंगे और जो लोग रैंकिंग में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी डेफिनेटली और जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इवेंट वो भी कुछ ना कुछ तो रैंक लाएंगे उस रैंक के बेसिस पे अभी 24 दिसंबर को जो हमारा बेहतरीन एक नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम लॉन्च होने वाला उसमें आप बहुत सारे उनको गिवेज और बहुत सारे ऑफर्स दिए जाएंगे उसके थ्रू है ना तो इसलिए आप उसमें जेनिक लाइव ऐप पे जाके इन क्विजेस में जरूर पार्टिसिपेट करिए नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं बेहतरीन वाला है ना और तो जैसा मैंने सिग्नल सिस्टम में भी एक क्रिस्प एनालिसिस दी थी कि आपको एनलॉग अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है या आपने थोड़ा बहुत फोकस किया है तो अब लास्ट टाइम में आपको किन किन चीजों पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए रिवीजन करते वक्त किस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए डेफिनेटली हम लोग तो आपको गेट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं और आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे इनहेंस करने वाले हैं आपको रिवीजन करते वक्त क्या ध्यान रखना है वो मैं एकदम शॉर्ट और क्रिस्प में बताने वाला हूं अगले 10 से 15 मिनट में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अभी इस लास्ट टाइम में क्या करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग एन सब्जेक्ट समझ में आई बात तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एकदम टू द पॉइंट चार भागों में मैंने बांट दिया डायोड बीजेटी मास्टेट एन ओपन अगर एनलॉक को पूरा बात करें तो सबसे पहले उठाते हैं डायोड इसी डबल ई के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा डीसी एनालिसिस सबसे पहले आती है जिसमें आपके डीसी वोल्टेजेस लगे होते हैं एक डायोड या डायोड या मोर देन वन के क्वेश्चन बहुत कॉमन है उसमें आपसे पूछा जाता है कि ऑन ऑफ डायोड का कौन डायोड ऑन है कौन ऑफ है करंट किसी डायोड की वोल्टेज कहीं किसी नोट का ये सब चीजें पूछी जाती हैं और ये यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली तीनों ब्रांच में से

एसी एनालिसिस की बात करूं तो ये एसी एनालिसिस ईसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है डबल आई एन के लिए मैं नहीं कहूंगा कि यहां से आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्यादा है ना ईसी वालों के लिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है और यहां का एसी एनालिसिस डायोड का बहुत सिंपल होता है बेटा डीसी एनालिसिस से

डबल इसी आई एन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्लिपर क्लैंपर एंड जेनर क्लिपर वाले में कौन से क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है क्लीपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से डायोड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लिपर में आपको इनपुट आउटपुट

वेरी इंपॉर्टेंट है ना मेरे अकॉर्डिंग ठीक है क्लैंपर सर्किट में कहूंगा ईसी डबल ईसी वाले तो इसको एक इंपॉर्टेंट में मार्क करके रखें क्लैंपर सर्किट इज कंपेटिवलीजियर देन क्लिपर सर्किट वाई क्लिपर में आपको ऑन ऑफ चेक करके फिर आपको ट्रांसफर करेक्टर इक्वेशन लिखना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है कुछ भी मिस हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक गलत आ जाएगी है ना तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस ज्यादा क्लैंपर सर्किट और मोर इजियर अगर डायोड और कैपेसिटर दिख गए साथ में तो मोस्ट लाइकली क्लैंपर का क्वेश्चन है उसमें डबलर वोल्टेज डबलर सर्किट वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट इस तरह के क्वेश्चन ईसी को कई बार आ चुके हैं इवन डबल ई को भी आ चुके हैं तो यहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये इजी टॉपिक है डायोड का जिसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो कुछ नहीं करना बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और कई बार आंसर जीरो भी आता है ना हमेशा वोल्टेज डबलर ट्रिपलर नहीं और जेना डायोड से आप पावर सप्लाई का पार्ट है लेकिन रेक्टिफायर मैं नहीं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है डबल ई -E वाले तो रेक्टिफायर को एक अलग लेवल पे पढ़ते हैं ईसी और आई एन की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा रेक्टिफायर से क्वेश्चन नहीं आते रहते हैं कि हर दिन आए हैं क्वेश्चन है ना ऐसा नहीं कि आते रहते हैं ना फॉर्म फैक्टर ये सब क्रेस्ट फैक्टर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इफिशियंसी हाफ वेब फुल वेब की तो ये सब चीजें बहुत कॉमन नहीं है लेकिन जो पावर सप्लाई का जेनर डाउट वाला पार्ट है जेनर डाउट पे बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो है ना जहां पे आपको मैक्सिमम पावर रेटिंग के क्वेश्चन है ना आर मैक्स की वैल्यू आर एल मैक्स की वैल्यू या आर एल मिन की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन की वेन क्या हम यूज कर सकते हैं उसके क्वेश्चन आप जनरल डाउट से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये सारी चीजें डबल ए सी एनालिसिस को छोड़ के बाकी पोर्सन सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट एसी एनालिसिस इसी वाले जरूर देख लेना बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा अगर आ गया दो चार साल में एक ही बार आता आ गया तो दो नंबर बड़े सिंपली लेके चले आओगे ये क्लीपर से बहुत आसान होता है अगर आपने क्लिपर सीखा तो एसी एनालिसिस तो बहुत इजीली सीख जाओगे तो ये डेफिनेटली करना है ना इसी वाले अब आते हैं सेकंड पार्ट पे बीजेटी पे है ना बीजेटी पे आते हैं तो बीजेटी में डीसी एनालिसिस सबसे पहले आती है डीसी एनालिसिस जहां पे आपको पूछा जाता है सचुएशन में है कि एक्टिव में है ऑन है तो एक्टिव में है कि सचुएशन में है इस तरह के क्वेश्चन पहले टाइप का करंट पूछ ली जाती है एक्टिव रीजन में या रीजन में तो कलेक्टर करंट इमिटर करंट ये सब चीजें दो तीन तरह की बाइसिंग टेक्निक है जो बहुत कॉमन है वोल्टेज डिवाइडर बायस बहुत कॉमन है बेस रजिस्टर बायस बहुत कॉमन है और कलेक्टर टू बेस

यहां से एक बहुत जो इंटरेस्टिंग सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जिसको मैं मानता हूं जिसको आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो इस साल क्या जब बीटा वेरी वेरी हाई हो तब आपको करंट की वैल्यू निकालना या किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना या उस रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू निकालना ये कई लोग बीटा वेरी हाई पे सीधे सीधे आईबी को टेंडिंग टू जीरो ले लेते हैं तो कई बार आईबी टेंडिंग टू जीरो हमेशा करेक्ट नहीं होता आईबी फाइनाइट एक वैल्यू आ सकती है जीरो के अलावा यहां से एक बेहतरीन क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बीटा वेरी वेरी हाई डीसी एनालिसिस है ना बेस कलेक्टर फीडबैक बायस भी बहुत बहुत ट्रिकी है बहुत है इंपॉर्टेंट तो इसको करके जाना और वोल्टेज डिवाइडर तो हमेशा से फेवरेट रहा है गेट का तो इसको बहुत अच्छे से करके ना सारी ब्रांचेज के लिए इंपॉर्टेंट है रिवीजन में इस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए अब आते हैं अगर एसी एनालिसिस की बात करते हैं तो एसी एनालिसिस में एक बीजेटी का एसी एनालिसिस और दो बीजेटी का एसी एनालिसिस मतलब जहाँ पे वोल्टेज गेन इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो डबल ई आई एन वाले एक बीजेटी वाले क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वहां मल्टीपल बीजेटी वाले क्वेश्चन उनको ज्यादा नहीं आते हैं तो एक बीजेटी वाला इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन का अच्छे से वो प्रैक्टिस कर लें और बहुत सिंपल होता है और यहां पे उनके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है अनबाई रेजिस्टर रजिस्टर आ वाला केस कॉमन इंटर एम्पलीफायर का जहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार आए हैं और जहां से अप्रोक्सिमेट गेन निकालने का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कहीं भी आ सकता है है ना और इसी में एक लेयर और आजकल ऐड करने लगे हैं गेट वाले बीटा वेरी वेरी हाई तो बीटा वेरी वेरी हाई डीसी एनालिसिस में भी बहुत फेवरेट है एसी एनालिसिस में बहुत फेवरेट है और बीटा वेरी वेरी हाई को कैसे डील किया जाता है मैंने क्रैश कोर्स में भी शायद पढ़ाया आपको देख लेना बहुत काम आएगा और एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी वाले दो बीजेटी के क्वेश्चन भी बेटा प्रैक्टिस करके जाना जिसमें एक बीजेटी लोड की तरह काम कर रहा है और एक एम्पलीफायर की तरह और वहां से आपको क्वेश्चन आ रहा है और वहां से जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वो बीटा वेरी वेरी हाई वाले आ वाले आ रहे हैं जो मल्टीपल बीजेटी और उसको मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया अगर टाइम मिले तो देख लेना और अगर आता है तो रिवाइज कर लेना अच्छे से वहां से क्वेश्चन फेवरेट हो चुके हैं इसी के लिए प्रैक्टिस कर लेना सिंगल बीजेटी वाले सब लोग प्रैक्टिस करेंगे और वाले दो बीजेटी भी और इसमें अनबाइपास रजिस्टर सिंगल बीजेटी में बहुत फेवरेट है थियोरेटिकल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ठीक है ना और एसी एनालिसिस में एक और मैं कहता हूं सिंगल बीजेटी के, के केस में बेस कलेक्टर जो फीडबैक होता है और वहां पे सोर्स रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होता है वो वाला क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है गेट का दो तीन बार आ चुका है तो हो सकता है इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ये एसी एनालिसिस में आपको बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करना और बीटा वेरी वेरी हाई को डील करना अच्छे से सीख लो क्लैरिटी के साथ डीसी या एसी एनालिसिस में कहीं भी मिल सकता है डील करने नहीं आएगा तो फंस जाओगे और डील करने आएगा तो बहुत सिंपल होता है ठीक है ना हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल नहीं आ रहा है क्यों क्योंकि यहां फार्मूला बेस्ड सारी चीजें होती हैं या बीटा फ्रीक्वेंसी है ना यी फ्रीक्वेंसी है ना ये सब यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी या या बीटा फ्रीक्वेंसी ये सब डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड तो वो ज्यादा नहीं हां यहां से फ्रीक्वेंसी वाले कौन से क्वेश्चन आते हैं कपलिंग कैपेसिटर की वजह से कटऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना इनपुट कपलिंग कैपेसिटर की वजह से आउटपुट कपलिंग और इन दोनों को निकालने के लिए इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन जो आप सीखोगे इनिशियली एसी एनालिसिस में सिंगल बीजेटी में वही बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन आएगा वो सिंगल बीजेटी का ही आता है तो आप सिंगल बीजेटी का इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना जानते हो तो कपलिंग कैपेसिटर की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत सिंपल है बेटा बहुत ईजी और बहुत सिंपल तो ये आपको हाई फ्रीक्वेंसी में फार्मूला अगर आपको देखना है तो देख लेना बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, है ना तो ज्यादातर इसको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं बस इसके दो तीन फार्मूले देख लेना बाकी कपलिंग कैपेसिटर वाला पढ़ लेना वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर अच्छे से क्लियर है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत सिंपल होता है इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस बस कैलकुलेट करना आना चाहिए जो आप फर्स्ट पार्ट में यहां पढ़ोगे सिंगल बीजेटी का वो सीख गए तो कपलिंग कैपेसिटर से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत सिंपल है ठीक है ना तो ये बीजेटी में आपको करना है अगर मेरे हिसाब से आप देखोगे तो इन लॉक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है अगला आता है मॉस्फेट मॉस्फेट में आपकी जो डीसी एनालिसिस है सिंगल मॉस्फेट की डीसी एनालिसिस सबको आनी चाहिए चाहे आप डबल ई से हो चाहे हो चाहे आई एन से क्योंकि तो 2019 में आई थिंक है ना 2019 हाँ 2020 हुआ पिछली बार 2019 हजार उन्नीस हाँ दो में मॉस्फेट जो कि डबल ई वाले छोड़ के जाते थे चार पांच क्वेश्चन एक साथ आए थे और जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने तो कर दिया जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनकी लग गई थी बुरी तरह से समझ में आई बात तो सिंगल मॉस्फेट के को करंट को निकालना ट्रायोड रीजन में है कि सचुएशन रीजन में सबको आना चाहिए और इसी वाले तुम लोग थोड़ा स्पेशल हो मॉसफेट के लिए है ना तो तुम्हारे लिए तो दो मास्फेट को डील करना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए और दो मॉसफेट बड़ा ट्रिकी हो जाता है कि कौन ट्रायोड में कौन सचुएशन में दोनों सचुएशन में दोनों ट्रायोड में एक ट्रायड दूसरा सचुएशन पहला ट्रायोर्ड दूसरा सिचुएशन है ना इस तरह के क्वेश्चन तो दो मॉसफेट को भी डील करने तुम्हें आना चाहिए और सिंगल मॉसफेट तो सबको आना चाहिए करंट और रेंट निकालना यहां से क्वेश्चन आ सकता है तीनों को सिंगल मॉस्फेट और दो MOSFET वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं कौन अपने इसी जस्ट लाइक कोर सब्जेक्ट ठीक है ना हमने इसको जी स्कोर में रखा क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है ठीक है ना तो ये ध्यान रखना है ना सिंगल मॉसवेट एवरीबडी हैज टू डू एंड आपको दो मॉसवेट वाले सी वाले जरूर करेंगे और इन सब की एनालिसिस क्रैश कोर्स में थोड़ी बहुत जरूर मिलेगी आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी देने की कोशिश करी और आपने अगर कहीं से पढ़ा तो उसको अच्छे से रिवाइज करिए ठीक है ना अब आती है एसी एनालिसिस तो एसी एनालिसिस में एसी एनालिसिस में आपको डबल ई और आई को मॉसफेट से एसी एनालिसिस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आया है आया है तो सिंगल मॉस्फेट के बड़े सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और उतना तो आपको मेरे एनलॉग रिवीजन के वीडियो में मिल जाएगा कि कौन कौन से आपको याद रखनी है चीजें और डायरेक्टली आंसर टिक करना है रिलेट करके वो चीजें मैंने बताई और उतना भी कर लोगे तो मुझे लगता है काम एसी एनालिसिस में चल जाएगा डबल ई और आई का लेकिन ईसी वालों को एसी एनालिसिस में मल्टीपल मॉसफेट भी डील करने आना चाहिए आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए ट्रांस कंडक्टेंस जीएम ओवरऑल निकालने आना चाहिए तो यहां से मॉसफेट से ईसी वालों का बड़ा फेवरेट एरिया एसी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट एरिया है आउटपुट रेजिस्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस निकालना गेन निकालना और मल्टीपल मॉसफेट तो बहुत कॉमन है यहां से तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए बेटा है ना और इसी का एक पार्ट है इसी वालों के लिए डबल आई एन को नहीं सी मॉस इन्वर्टर सी मॉस इन्वर्टर में भी दो मॉसफेट आ जाते हैं पी मॉस और एन मॉस और उसकी डीसी एनालिसिस आपको बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कब कौन ट्रायोड है कब कौन सचुरेशन है दोनों ट्रायोड है दोनों सचुरेशन है एक ट्रायोड एक सचुरेशन ये आपको अच्छे से आना चाहिए और सी मॉस के केस में वोल्टेज रेंज देख के आप बता सकते हो कि कौन सचुरेशन में है कौन ट्रायोड में है है ना अगर आपकी अच्छी एनालिसिस है तो सी मॉस से भी इधर क्वेश्चन नहीं आया तीन चार साल पहले आया है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ई वाले सी मॉस देख के जाना आपको क्वेश्चन आ सकता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप, आपके लिए ठीक है ना बाकी सिंगल मॉस्फेट एसी एनालिसिस आना चाहिए तीनों ब्रांचेज को और सिंगल मॉस्फेट बहुत सिंपल होता है इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन निकालना जरूर करके जाना ई डबल ए, वाले भी और डीसी एनालिसिस सिंगल मॉस्फेट की तीनों ब्रांचेज को क्लियर होनी चाहिए और मल्टीपल मॉस्फेट पर स्पेशल फोकस होना चाहिए किसका बेचारे ईसी वालों का ईसी वालों को तो ईडीसी साइड से भी मॉस्फेट में बहुत कुछ पूछा जाता है मॉस कैपेसिटर वो ईडीसी का पार्ट है बेटा मैं मॉस कैपेसिटर को इसका मार्ट मारता हूँ ट्रांसकंड जीएम निकालना ट्रायोड रीजन में सेचुरेशन रीजन में ये सब मैं मानता हूं ईडीसी का पार्ट है और आग, आर नाट की वैल्यू निकालना है ना ये सारी चीजें ईडीसी में भी करते हैं ईसी वाले और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर भी ईसी पार्ट ई पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनलॉक पार्ट में सिंगल मॉस्फेट सबके लिए इंपॉर्टेंट सिंगल मॉस्फेट सबके लिए और ई वाले हो तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा बस मैं यही कहूंगा अब आता है उपैम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम स्टार मार्क कर लो कभी कभी क्वेश्चन नहीं आया एक आध साल ना तो ऐसा मत कह देना कि सर 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 एक साल तो आया नहीं था अरे मिस कर दिए होंगे ई के लिए भी इसी के लिए मैं कहूंगा अगर दो स्टार है तो डबल ई और के लिए तीन स्टार है क्योंकि इज वेरी फ्रिक्वेंटली इन मेनी सर्किट डिजाइनिंग देयरफॉर क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं क्योंकि वहां क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आपके प्रोफेसर पीएचडी स्कॉलर्स तो इस तो बहुत सारे सर्किट बनते हैं इसलिए यहां से क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है किसी साल नहीं आया तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा कंपरेटर सर्किट जब ओपन लुप कॉन्फिग्रेशन में यूज करते हैं कंपरेटर सर्किट है, है ना यहां से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और आए हुए हैं है ना कब कंपरेटर की तरह काम करता है जब उसका गेन इनफाइनाइट होता है क्यों ऐसा होता है कैसा नहीं होता है कंपरेटर की तरह काम करेगा तो कैसा बिहेवियर होगा आपको क्लियर होना चाहिए और कंपरेटर सर्किट के ही एग्जाम्पल है स्किमिटेबल मल्टीवाइब्रेटर स्किमिट ट्रिगर में हिस्टेर विथ प्लॉट करना अपर एंड लोअर थ्रिशोल्ड वोल्टेज निकालना अपर एंड लोअर थ्रिशोल्ड वोल्टेज का सिग्निफिकेंस है ना हिस्टेर करो डायरेक्टली कैसे प्लॉट करेंगे ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए ये भी एक फेवरेट एरिया एरिया जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और आजकल मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को जितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं ओपेम के जो सबको टफ लगते हैं वो ज्यादातर अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन रिसेंटली दो तीन चार साल में बहुत अच्छे आए तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो कंपरेटर सर्किट का एग्जाम्पल है जहां पे आप आ, आप टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ते हो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पड़ दो टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी और उस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कैसे कैसे चेंजेज होंगे अगर आप रेजिटेंस की वैल्यू चेंज कर दोगे सर्किट में डायोड लगा दोगे है ना डायोड कहां पे लगाओगे किस पाथ में लगाओगे उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज होगा अगर कोई वोल्टेज सोर्स लगा कर दोगे डीसी का फीडबैक पाथ में तो क्या चेंजेज होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे आज मल्टीवाइब्रेटर पे तो इसको बड़े प्यार से पढ़ना सारे ब्रांचेज वाले यहां से एक अच्छा क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन क्या करते हैं डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपकी अच्छी रैंक में क्योंकि ये सब नहीं सॉल्व करेंगे आप करोगे तो आपकी रैंक में बहुत डिफरेंस आने वाला है क्योंकि ये मार्क्स आप गेन करोगे बहुत कम लोग गेन करने वाले इसको है ना तो डिफरेंस क्रिएट करता है ठीक है ना एज एन एम्पलीफायर एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बहुत कॉमन है और जनरल सर्किट एम्पलीफायर के बहुत आते हैं यहां से एक आग आप क्वेश्चन कर सकते हो और एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगर ओपन लूप गेन फाइनाइट हो जाए ओपन का तो जो गेन का फार्मूला आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए उस पर यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और उस सर्किट का अगर यूज आप समझते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल होने वाले हैं तो एम्पलीफायर पार्ट से तो बहुत सारे क्वेश्चन समर का क्वेश्चन है ना एंटी लॉग लॉग एम्पलीफायर बहुत सारे सर्किट हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है तो जनरल एनालिसिस आपको आनी चाहिए एम्पलीफायर पार्ट को डील करने के लिए कब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा कब नहीं लगेगा कब बी प्लस दी कर सकते हैं फिर निगेटिव टर्मिनल पे कैसियल लगा

ठीक है फिर आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यह वही वाला पार्ट है अगर ओपन लूप गेन फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हो जाए इंफिनिटी ना होकर जो आइडियल ओपेम का होता है वो यस yes का फंक्शन हो जाए यस yes का फंक्शन होना मतलब फ्रीक्वेंसी का यस इज टू जे ओमेगा रख दो तब जाके आपको क्लोज लूप सिस्टम की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालना आजकल पूछने लगे हैं जो ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन में से है जिसको वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन क्या मैं कहूं ऑफ द पॉपुलेशन सॉल्व करके एग्जाम में करेक्टली आ पाती मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं उसको कैसे डील करना है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए यह हां सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन पे फोकस करना है और उस तरह के क्वेश्चन को एकदम क्लियर रखना है माइंड में आया तो गलत नहीं होना चाहिए इस तरह की तैयारी होनी चाहिए फिर आता है नॉन आइडियल इफेक्ट नॉन आइडियल इफेक्ट में ऑफसेट ऑफसेट करंट, करंट वोल्टेज, बायस इसके बेस पे क्वेश्चन आ रहा है और सारी ब्रांचेज के लिए इंपॉर्टेंट है है ना और इसको डील करने में लोग इतना परेशान रहते हैं जबकि बहुत सिंपल अगर मॉडलिंग करना सीख गए तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये लेकिन इसको करना अगर आता है तो अच्छे से रिवाइज करना चीजों को क्लियर रखना यहां से क्वेश्चन वालों को मुझे ज्यादा लगता है यहां से क्वेश्चन है एक दो बार मतलब ऑप्शेट करेंट ऑफसेट वोल्टेज बाइस करेंट फिर आता है बहुत, बहुत पहले भी क्वेश्चन आते थे दो के पहले अभी भी रह रह के दो तीन साल में एक बार चार साल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है स्ल्यू रेट स्ल्यू रेट इनफाइनाइट होता है आइडियल ओपैम का लेकिन नॉन आइडियल ओपैम का आपका स्ल्यू रेट फाइनाइट होता है तो फाइनाइट स्ल्यू रेट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं फाइनाइट स्ल्यू रेट के केस में दे देंगे मैक्सिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके लिए ये प्रॉपरली ऑपरेट करेगा इस तरह का क्वेश्चन है ना किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या ले हम कि आपका प्रॉपर आउटपुट आए फॉर ए गिवन इनपुट

इस एम्पलीफायर सर्किट का अगर ये नॉन आइडियल है और इसका कुछ ऑफसेट वोल्टेज है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और कुछ बायस करंट है उसको मॉडलिंग के थ्रू कैसे डील किया जाता है आपको क्लियर होना चाहिए बहुत सिंपल आता है है ना? ट्रिपल फाइव टाइमर मैं नहीं कहूंगा वो हट भी चुका है वहां से कुछ पढ़ने और पिछले पांच छह साल में आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन आया लेकिन ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना मैं बता रहा हूं पता नहीं मुझे गट फीलिंग आ रही है कि यहां से एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से है ना कुछ मिक्स करके है ना उसमें दो डायोड लगा देते हैं जब रिटर्न पाथ में तो क्या फ्रिक्वेंसी में चेंज होगा टाइम पीरियड टी T2 टू में क्या चेंज होगा वोल्टेज लगा देंगे डीसी जो फीडबैक लगाया आर वन आर टू का वहाँ एक डीसी वोल्टेज तो क्या चेंज होगा आपके टाइम पीरियड टी T2 टू में उसको डील करने है ना सिंप्लीफाइड वे में आप एकदम क्लियर कर लोगे ठीक है ना तो ये जो चीजें मैंने बताई क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में ये चीजें आपको दिमाग के फ्रंट पेज पे रखनी और अभी मैं जिस कोर्स सीरीज में भी इन जो चीजें बताएं इनसे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए और जिस तरह के गेट के क्वेश्चन आते हैं कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कोई बहुत इजी नहीं एकदम नॉर्मल से सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन जो गेट उठा के आपकी एग्जाम में लगा देता है वैसे ही पूछेंगे और आपका लेवल अप ही करेंगे डाउन तो नहीं होगा कुछ नया सीखोगे जरूर कुछ नए तरह के क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे तो जुड़े रहिए जी स्कोर जी ट्वेंटी एट और जी कोर के साथ और जेनिक के साथ जुड़े रहिए तो ये सब आपको मिलता ही रहेगा जेनिक लाइव ऐप जरूर आप इंस्टॉल कर लो उसी पे क्विजेज आएंगे सोल्यूशन बाद में आएगा और सोल्यूशन पोस्ट होने के पहले आपको आंसर पोस्ट करना है ऐप पे ही पोस्ट करना है है ना और कुछ बेहतरीन आने वाला चौबीस दिसंबर को जब आएगा तो आपको पता चलेगा कितने बेहतरीन प्लानिंग की थी बहुत टाइम से तो आपको मिलने वाला है तो उसमें आपको बहुत सारे गिव अवेज बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं आपको अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो भी क्योंकि तो पार्टिसिपेट करोगे तभी कुछ रैंक आएगी तभी कुछ आपके मिलने के चांसेस होंगे ठीक है ना तो जरूर पार्टिसिपेट करो बहुत कुछ सीखोगे और सीखने में कुछ मिल जा रहा है उससे अच्छा क्या हो सकता है ठीक है ना तो चलो फिर मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में जी स्कोर एंड लॉक के क्वेश्चन के साथ कुछ बेहतरीन सीखेंगे कुछ आपको अप कर देंगे आपके नॉलेज को आपके थिंकिंग को और आपको अपग्रेड करके भेजेंगे कहाँ पे गेट एग्जाम में थैंक यू थैंक यू वेरी मच